हेलो एवरीवन। सो अपने लिमिट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा था। सो कुछ एग्जांपल से उनको रिकैप देखते हैं एक बार कि क्या हमने अप्रोच यूज किया था, एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक। सो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ फाइव प्लस एक्स माइनस लॉग फाइव माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। डायरेक्टली फिर लिमिट पुट करते हैं, चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बनेगा। अगर मैंने एक्स को जीरो पुट किया तो यहाँ बनेगा लॉग फाइव माइनस, यहाँ भी क्या बन जाएगा लॉग फाइव, which makes numerator zero and denominator में तो x लिखा है, which is automatically zero, so ये basically बन रहा है अपने पास zero by zero form। now अब मैंने observe किया कि zero by zero indeterminate form बन गया। question में function किस type की, तो logarithmic function दिख रहा है, logarithmic की तो अपने पास एक ही property थी कि limit extending to zero log one plus x upon x कितना होता था one, but यहाँ पे मुझे one plus x के form में function देखने का। अब ऐसे में generally आप क्या करते हो, फोर्सफुली वन क्रिएट करते हो और इसमें मिस्टेक होता है, इसको आप लिखते हो वन प्लस फोर प्लस एक्स। पर एक चीज समझो, अगर इसको आपने वन प्लस फोर प्लस एक्स लिखा तो हमने एक प्रॉपर्टी ऐसा कुछ देखा था, या इसको हम लिमिट में जनरली यूज कर रहे थे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कुछ भी लिखा हो लॉन के अंदर वन प्लस अगर एफ ऑफ एक्स हो और होल अपॉन में एफ ऑफ एक्स हो तो इसका भी वैल्यू वन हो सकता है अंडर द कंडीशन कि जब a को आप यहाँ पुट करोगे मतलब f ऑफ a का जो वैल्यू है ये जीरो आ रहा हो, ठीक है। बट अगर इसको आप 1 प्लस 4 प्लस x लिखते हो तो ये जीरो नहीं आएगा, वो 4 बनेगा, इसलिए वो फॉर्म को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं वो समझना। ऐसे केस के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए एक डायरेक्ट टेक्निक है अपने पास। वो टेक्निक ऐसा होता है कि जो 5 प्लस x है इन दोनों में से 5 कॉमन लो, मतलब मैं इसी पार्ट को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू वन प्लस एक्स अपॉन 5, मैंने इन दोनों में से 5 कॉमन लेके इसको इस तरीके से अरेंज किया। यही सेम मैं यहां भी अप्लाई करूंगा, माइनस लॉग ऑफ 5 कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय अपॉन में तो एक्स चल रहा था। अब बेनिफिट क्या होगा ये समझना, log of a into b का प्रॉपर्टी होता है log a plus log b, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं और सेपरेट करने के बाद जो टर्म बनेगा ना वो मेरा फॉर्मूले को फॉलो करेगा। देखना कैसे, फर्स्ट टर्म दिखने वाला है log 5 plus log of 1 plus x by 5 minus log 5 minus log of 1 minus x by 5 the whole divided by x। Now, log 5 से log 5 कैंसिल। अब यहां जो टर्म बना है वो 1 प्लस x के फॉर्म का दिख रहा है और अब आप इसको इससे कंपेयर भी कर सकते हो, क्यों, f of x के प्लेस में क्या दिख रहा है, x by 5 दिख रहा है और x को जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये 0 भी हो रहा है जो पहले नहीं होता था, ठीक है। तो अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, बट उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, एक छोटा सा मिस्टेक होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x by 5 अपॉन में x लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट टर्म, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 5 होल अपॉन, यहां भी x है। अब इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूं समझना, इस माइनस को बनाता हूं प्लस और इस माइनस को अपॉन में लगा दूं, बात तो एक ही है, प्लस इंटू माइनस फाइनली माइनस ही हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि मुझे यहां पे 1 प्लस मैच करना होता है, लाइक 1 प्लस एक्स का टर्म चाहिए होता है और यहां पे नेगेटिव था तो मैंने माइनस एक्स बाय फाइव को मैच कर दिया। नाउ एज पर दी फॉर्मूला ये पूरे पार्ट का वैल्यू हो गया 1, अगेन दिस पार्ट विल ऑल्सो बिकम 1, सो यहां क्या बचा, ये बचेगा अपने पास 1 बाय 5 प्लस ये पार्ट भी क्या बचा, अगेन 1 बाय 5, सो फाइनली अपना लिमिट का वैल्यू आएगा दैट शुड बी 2 बाय 5। सो अगेन लॉग का एक और टाइप का क्वेश्चन जहां पे डायरेक्टली लॉग 1 प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं दिया था बट हमने रिड्यूस कर लिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो पर्टिकुलर लॉग के क्वेश्चंस में इस चीज को ध्यान रखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर। अगेन सबसे पहले लिमिट को पुट करेंगे x इक्वल टू 0, सो यहां बनेगा 1 प्लस 1 दैट मींस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा अपने पास 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा। नाउ अब इन दिस केस अगर मैं ऑब्जर्व करूं 0 बाय 0 मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब चेक करना है कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है, सो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है डायरेक्टली अपने को, एक्सपोनेंशियल के अपने पास जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x
माइनस वन अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वन. बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि यहाँ पे पहली बात तो दो इरेज टू एक्स के फंक्शन है, सो आप मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में माइनस टू है, एक को इसके साथ लगा दो माइनस वन, एक को इसके साथ. बट अगेन एक प्रॉब्लम और भी है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है. अगर आपने बना भी दिया तो ये पूरा टर्म तो बनेगा, अपॉन में एक एक्स्ट्रा बच जाएगा एक्स, विच मेक्स द फंक्शन इन्फिनिटी, तो अगेन नॉट डिफाइन हो जाएगा. नाउ वैसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ कि एक जगह लिखा है ई रेस टू एक्स, सेकंड लिखा है ई रेस टू माइनस एक्स, तो क्वेश्चन को सिंगल टाइप के फंक्शन में रिड्यूस करता हूँ बाय राइटिंग ई रेस टू माइनस एक्स एज वन अपॉन ई रेस टू एक्स. अब देखते हैं उससे क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफिकेशन आता है. सो ये तो रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस टू दी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सो इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद e raise to x, that means ये हो जाएगा e raise to 2x plus 1 minus 2 times e raise to x whole upon e raise to x into x square. ये जो टर्म लिखा है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ. एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो शायद डायरेक्टली आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, बट अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ. क्या इसी पार्ट को आई कैन राइट e raise to x का स्क्वायर माइनस twice of e raise to x plus 1 the whole divided by x square into e raise to x. अब समझना, जो numerator है वो बना है a square minus 2ab plus b square. So basically ये हो गया a minus b का whole square. तो अब मैं इस question को क्या लिखूंगा, I can write this part as limit extending to 0 e to the power x का whole square minus this. तो e to the power x minus 1 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू ई टू द पावर एक्स. और अब मुझे लिमिट का वो फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल वाला. तो अब मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इनटू वन अपॉन ई रेज टू एक्स. नाउ बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला इसका वैल्यू तो कितना हो गया 1, बिकॉज स्क्वायर भी है, फर्क नहीं पड़ता, इसका ही वैल्यू 1 है तो स्क्वायर भी 1 रहेगा. एंड अबाउट दिस पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जीरो पुट किया तो e to the power 0 कितना हो जाएगा 1. सो फाइनली इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा 1. नाउ इस क्वेश्चन में जो बेसिक मिस्टेक आप लोग करते हो, क्या करते हो समझ लो, वो नहीं रिपीट कर रहा उसको. इसको आप लिखते हो माइनस वन दो पार्ट में सेपरेट करते हो, फाइनली कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, फर्स्ट पार्ट बनता है इन्फिनिटी, सेकेंड पार्ट बनता है इन्फिनिटी, आप बोलते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज जीरो. नहीं, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली ये कौन सा इन्फिनिटी है और एग्जैक्टली ये कौन सा इन्फिनिटी है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड. तो इस चीज को ध्यान रखो, इसका मतलब जीरो नहीं होता, ये भी अपना क्या बन जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. सो ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो क्वेश्चन जीरो बाय जीरो में था, उसको आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट, जब हमने प्रॉपरली अपना अप्रोच यूज किया तो इसका वैल्यू एक डिफाइंड, या इसका आप लोगों को आंसर एक डिफाइंड वैल्यू मिला. ओके, सो हम लिमिट का नेक्स्ट फॉर्म समझते हैं. नेक्स्ट फॉर्म जो अपना है वो होता है लिमिट्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स. अब तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जहां पे फंक्शन की पावर में फंक्शन था, बट अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं समझना. पर्टिकुलरली हमने ये चीज देखा कि इनकेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलो या इनकेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलो, हमने देखा था कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता था तो हम लोग क्या यूज करते थे, लॉग. यहां भी सेम चीज है, यहां भी हम क्या यूज करेंगे, लॉग. बट इसके पर्टिकुलर दो केसेस होते हैं, दोनों केस को समझना. पहला केस मैं बोलूंगा जीरो टू द पावर जीरो, ठीक है, इस फॉर्म का केस बनेगा, या फिर इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, ये अपना फर्स्ट केस रहेगा. एंड द सेकेंड केस इज वन रेज टू पावर इन्फिनिटी. एक्चुअली सेकेंड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला डाउट तो आपका ये होता है कि सर वन की पावर तो कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा, वन, विच इज लॉजिकली करेक्ट. बट अगर मैं बोलूं कि ये जो वन है ये एग्जैक्ट वन ना होके इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन, मतलब वन से स्लाइटली छोटा या स्लाइटली बड़ा वैल्यू है, तो आप कंफ्यूजन आएगा. क्यों? अगर वैल्यू वन से स्लाइटली बड़ा हो गया और आप वन से बड़े कोई भी नंबर की पावर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, मतलब इसका आंसर वन ना होके वन से बड़ा भी आ सकता है. और अगर ये वैल्यू वन से स्लाइटली छोटा हो गया, सपोज 0.999 समथिंग, तो जब आप 1 से छोटे नंबर की पावर इंक्रीज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस आता है. बट ओनली विद द केस कि जब ये 1 एग्जैक्ट 1 ना हो, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है. सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं.
दैट इज लिमिट जो अपने पास होगी जीरो टू द पावर जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिट टू द पावर जीरो फॉर्म. ना अपने फर्स्ट फॉर्म में सपोज करूं क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था, एक लिमिट अपने को सॉल्व करनी है एल विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जीरो ऑफ एक्स. जब आपने इस लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दिया तो ये जो एफ ऑफ ए है ये अपने पास जीरो बन रहा है या इन्फिनिटी बन रहा है, और जब आपने यहां पुट किया तो जी ऑफ ए जो है वो जीरो बन रहा है बेसिकली. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लॉग ऑफ एल टू द बेस ई. राइट साइड क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स. नाउ वी नो अ प्रॉपर्टी कि लिमिट जब होता है डायरेक्टली फंक्शन में लगता है, तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एक अलग फॉर्म में लिख सकता हूं. आई कैन राइट दिस फॉर्म एज लॉग एल, जिसका मुझे वैल्यू निकालना था. लिमिट को तो मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि लिमिट हर एक फंक्शन में सेपरेटली लगेगा. एंड नाउ एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आई कैन राइट जी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब क्या होगा कि जो फंक्शन की पावर में फंक्शन था जो हमको सॉल्व करना नहीं आता था, अब वो एक ऐसे फॉर्म में बना जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या किया है इनडायरेक्टली, अगर क्वेश्चन जीरो की पावर जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो इंटू जीरो का फॉर्म बन जाएगा या फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म इनडिटरमिनेट जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इस पार्ट का हम लिमिट निकालेंगे, एक कुछ नंबर आएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू. आखिरी स्टेप में ध्यान रखना वही अपना आंसर नहीं है, हमको वापिस से लॉक को रिमूव करना है, आंसर आएगा ई के फॉर्म में. ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे उसको. ये पार्ट फिर भी कॉमन था, इसमें इतना इशू नहीं है. कॉम्प्लिकेट पार्ट होता है सेकेंड, इसको अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट भी है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस कहां आता है. सपोज करो एक क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाय एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको अपने को सॉल्व करना है. अब अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो लूंगा डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं तो जीरो पुट करने पर यहां पर क्या आ जाएगा वन, और ये बन जाएगा इन्फिनिटी. मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, वन की पावर इन्फिनिटी. अब आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि वो टेंडिंग टू वन या एग्जैक्टली इक्वल टू वन है. तो सिंपल सा, जब हम लिमिट यूज करते हैं तो कभी एग्जैक्टली तो नहीं होता, हमेशा टेंडिंग टू वर्ड्स होता है. बट डायरेक्टली हम क्वेश्चन में क्या करते थे, अगर अपना आंसर वन पॉइंट समथिंग भी आया तो उसको हम वन लिखते थे, पर यहां ऐसा नहीं कर सकते. द रीजन भी कि यहां पे अप्रोक्सीमेशन हमारे पास एक बार नहीं लेना है इनफाइनाइट टाइम से, तो वो हमको अलाउड नहीं है इसके लिए. नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले हम खाली ऑलरेडी कमेंट करने का ट्राई करते हैं कि आंसर वन से बड़ा आएगा या छोटा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को ऑब्जर्व करूंगा. पहले बात करता हूं आगे चल का. सपोज करो एक्स का वैल्यू जीरो से स्लाइटली बड़ा लिया, लेट अस से 0.01. तो अब ये नंबर क्या बन गया 1.01. पावर में भी क्या चलेगा, बहुत बड़ा नंबर. सपोज इन्फिनिटी कह रहा हूं तो 1.01 की पावर में पॉजिटिव नंबर बहुत बड़ा, तो आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए. तो इसका RHL बोलेगा कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा. नाउ अबाउट LHL, LHL में हमने x क्या लिया, 0 से छोटा, सपोज माइनस ऑफ 0.01. तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा नंबर, पावर क्या चलेगा. सो अब इस पार्ट पे केयरफुल रहना, आप मिस्टेक करते हो. कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बोलते हैं RHL में नंबर 1 से बड़ा है पावर इन्फिनिटी तो आंसर 1 से बड़ा, LHL में नंबर 1 से छोटा है पावर इन्फिनिटी आंसर 1 से छोटा. बट ऐसा नहीं है, नंबर 1 से छोटा हुआ बिकॉज आपने x को नेगेटिव लिया था, तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा, जिसकी वजह से नंबर 1 अपॉन में कम हो जाएगा और आई कैन से नेट वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी हमेशा. इस चीज को पर्टिकुलर ध्यान रखना. सपोज करो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि x को आपने लिया माइनस ऑफ 0.01, तो 1 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा 0.99. ठीक है, 0.991 से छोटा हो गया. पर अब जो इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगी तो वो उसको क्या बना देगी, 1 अपॉन में 0.99 की पावर इन्फिनिटी. अब ये 0.99 क्या है, 1 से छोटा नंबर है, इन्फिनिटी पावर लगाओगे तो और छोटा हो जाएगा. पर ये जो छोटा हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, डिनोमिनेटर में. अगर आप किसी नंबर का डिनोमिनेटर कम करते हो तो उसका न्यूमिनेटर क्या होता है, बढ़ता है, या उसका नेट वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बेसिकली. सो इसका आंसर भी LHL भी क्या आएगा, 1 से बड़ा. मतलब डेफिनेटली उस पार्ट का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1 से बड़ा. अब एक्जैक्टली उसका आंसर क्या आएगा वो हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, बट पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 raised to power infinity जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा उनको सॉल्व कैसे करना है. सपोज करो यहां भी सेम अप्रोच, एल लिमिट को अपने को सॉल्व करना है. क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स. ठीक
ठीक है, अंडर द कंडीशन कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स जो अपने पास है इसका वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू वन, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जो जी ऑफ एक्स है इसका वैल्यू कितना हो गया अपने पास, इन्फिनिटी, तभी तो ये वन रेस टू इन्फिनिटी बना अपने पास, ठीक है। अब इन इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आंसर मिलता है अपने को, पर उसका डेरिवेशन क्या है मैं आपको सिखाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग लेने के पहले थोड़े इस फंक्शन को अरेंज करेंगे। मैं इस लिमिट को लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पे लिखता हूं वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन होल टू द पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन है अपने पास। यहां पे मैंने 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इसलिए बनाया है बिकॉज अब मैं दोनों साइड लॉग लूंगा और मेरे पास लॉग में एक प्रॉपर्टी चलती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स या लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1 एट एक्सटेंडिंग टू 0। अब मैं इसी पार्ट को वापस से किस तरीके से रीअरेंज कर रहा हूं वो समझना। मैं इस पार्ट को लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पे 1 को अलग किया, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इस पार्ट को अलग रखा, जो पावर में जी ऑफ एक्स था ना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस वन होल इंटू जी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन। मतलब मैंने क्या किया, पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड किया। अब आपको समझेगा अगले स्टेप में कि ऐसा एग्जैक्टली हम लोगों ने क्यों किया है। सो इस पार्ट को देख लो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया है, अब मुझे लॉग लेना है। नाउ जब मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो फंक्शन कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा लॉग एल, लेफ्ट हैंड साइड अपने को दिखेगा लॉग ऑफ एल टू द बेस ई इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये जो पूरा वैल्यू है ये आगे आ जाएगा, मतलब ये कैसा दिखेगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन टाइम्स जी ऑफ एक्स द होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। ये पूरा वैल्यू आगे आ गया और इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा लॉग, मतलब ये पार्ट दिखेगा मुझे मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब मैं इसी को एक स्टेप में खाली रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कैसे कर रहा हूं वो समझना। लॉग एल टू द बेस ई मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लॉग ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये ब्रैकेट को इसमें लगाओ तो आपको समझना आसान रहेगा, द होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। ऐसा क्यों किया वो समझोगे, अपने पास लॉग का एक प्रॉपर्टी था लॉग वन प्लस एक्स होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अंडर द कंडीशन के एक्सटेंडिंग टू जीरो हो, मैं उसी को यूज करने वाला हूं वन प्लस, ये पूरा मेरा फंक्शन हो गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरी लिमिट पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं, जब मैं एक्स को ए पुट करूंगा तो यहां क्या बनेगा एफ ऑफ ए माइनस वन, और जरा देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है वन, मतलब ये जीरो बन रहा है, तो अब ये पूरा पार्ट इक्वल टू क्या हो गया वन, मतलब जो क्वेश्चन दिखेगा या जो पार्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा लॉग ऑफ एल टू द बेस ई इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, ये बनेगा अपना क्वेश्चन। हमको क्या चाहिए था, एल का वैल्यू चाहिए था, तो आई कैन डायरेक्टली से जो मेरा एल का वैल्यू है वो आएगा ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। आई वुड से इसी चीज को ध्यान रखो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अपने पास डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया बट इसका कोई काम नहीं है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में मे भी हो सकता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन डेरिवेशन को स्टेप यूज करना पड़े, बट स्टिल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन जो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी का होगा उन सभी को सॉल्व करने के लिए हमको इसी अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना है कि जो क्वेश्चन है वो अपने पास वन रेज टू पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं लिमिट पुट करने के बाद,
जैसे ही वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो उसका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करो, आपको बाय डिफॉल्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला था कि इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखता हूं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया है, 1 प्लस एक्स, जी ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 बाय एक्स। तो आंसर क्या आता है, e टू दी पावर लिमिट सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 का आंसर खाली x बचेगा, मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स मतलब 1 बाय एक्स। एक्चुअली इस लिमिट का वैल्यू होता है, एंड आई होप आपको पता होगा कि e का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होता है। यही तो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि जो इस लिमिट का आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज हमने इसका एलिजिबल आंसर चेक किया था। नाउ वी हैव द आंसर कि इस लिमिट का एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, e। तो कभी भी क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी का आएगा, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले वही x को 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है, बिकॉज नो डाउट फंक्शन की पावर फंक्शन तो दिख रहा है, बट इधर इट इज ऑफ 0 टू दी पावर 0 फॉर्म या फिर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को हमको चेक करना पड़ेगा। नाउ जब 0 पुट किया तो यहां क्या आ जाएगा, 1, एंड cos x 0 इज इन्फिनिटी, तो क्लियरली इट इज 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस फॉर्म के ही मिलेंगे। नाउ अब इसमें क्या करता हूं, मैं फंक्शंस को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेता हूं। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, इस केस में हो गया 1 प्लस एक्स, जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स विल बी cos x। नाउ लिमिट तो हम डायरेक्टली चेक कर चुके हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो चेक नहीं करना, अब मैं सीधे फॉर्मुला यूज करता हूं। इसी लिमिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी वैल्यू दिया था, इस केस में 0 था, e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इनटू जी ऑफ एक्स। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, ये दिखना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 मतलब सिर्फ एक्स बचेगा, इनटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट cos x। क्या इसी को हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x अपॉन sin x। ऐसा क्यों लिखा, दैट इज प्रीटी मच क्लियर, बिकॉज वी नो sin x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, 1, तो x अपॉन sin x भी 1 रहेगा, तो यहां पे अपना आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर 1, और यू कैन से इस पार्ट का आंसर रहेगा अपने पास e। जनरली हमने ऑब्जर्व किया है और फॉर्मूला भी बोलता है कि फॉर्मूला e के फॉर्म में है, इसलिए आपको जो भी 1 raised to power infinity होगा उसके जो आंसर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में e की पावर मिलते हैं या फिर 1 माइनस 1 स्टेप का मिल जाएगा आपको, सॉरी प्लस 1 नॉट माइनस 1, आइदर पॉजिटिव 1 या फिर e की पावर में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं x को 0 पुट करूं, सो आई नो कि sin x अपॉन x एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होता है, 1, ये पार्ट तो 1 बन गया, पर इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसके लिए भी ट्रिक है समझना। एक काम करो, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दो। क्यों, जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ऊपर क्या बनेगा, sin x upon x, नीचे बनेगा 1 minus sin x upon x। बेसिकली हर जगह sin x upon x बना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। नाउ अगेन क्रॉस चेक करते हैं, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये तो हो गया था 1, यहां पे न्यूमरेटर में आएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 मतलब 0, सो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इट इज अगेन 1 टू दी पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट वी नो इसका फॉर्मूला हमको पता है, सिर्फ हमको क्या लिखना है प्रॉपरली एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कैलकुलेशन। सो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, दिस फंक्शन विच इज नथिंग बट साइन एक्स अपॉन एक्स, और जी ऑफ एक्स बिकम्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा अपना जी ऑफ एक्स। नाउ एज पर दी फॉर्मूला अपने पास कैसे लिखते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या दिया था, 0, e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, दी होल मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स विच इज साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर, यहां पे अगर एलसीएम लिया तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस एक्स होल अपॉन एक्स, द होल मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म विल बिकम साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ अगर मैं
इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करूं तो दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है माइनस का, मतलब दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं विद अ नेगेटिव साइन। सो फाइनली ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इनटू द पावर माइनस ऑफ साइन x अपॉन x, एंड वी नो साइन x अपॉन x का वैल्यू एट x टेंडिंग टू 0 कितना होता है 1। तो फाइनली इस पार्ट का आंसर आएगा मेरे पास e टू द पावर माइनस 1, और आई कैन से 1 बाय e। अगेन विद द सेम लॉजिक के आंसर जो भी है वो e के फॉर्म में आता है इन जनरल। तो हमने दो बेसिक क्वेश्चन देखे जो दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते थे 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी, डायरेक्टली मैंने फॉर्मुला यूज किया, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मुला। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आपने को बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x होल अपॉन 3 डिवाइडेड बाय या होल टू द पावर 2 बाय x, इसको चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, अगेन लिमिट को पुट करेंगे x इक्वल टू 0, सो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मींस दिस बिकम्स 3, 3 बाय 3 अगेन 1 हो गया, और पावर क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो फॉर श्योर है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सो अगेन दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, दैट इज इनडिटरमिनेट। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इस क्वेश्चन का एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया अपने पास ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स होल अपॉन 3, और इसी क्वेश्चन के लिए जी ऑफ एक्स हो गया अपने पास 2 बाय एक्स। नाउ एज पर द क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था अपना, दिस शुड बी लिमिट सेम एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ये दिखेगा ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 द होल मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स विच इज 2 बाय एक्स। नाउ अब यहां पे एक्सपोनेंशियल पार्ट दिख रहा है अपने को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपना जो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला था वो तो मैंने यूज कर लिया, बट उसके बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे फंक्शन को पहचानना पड़ेगा, तो इट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका मेरे पास फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 विच इज देयर इन दिस केस, तो फॉर्मूला बनता है ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। अब उसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं वो समझना, क्या इसी पार्ट को आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर a रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x द होल माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय x। नाउ यहां पे एक्सपोनेंशियल के तीन टर्म दिख रहे हैं मुझे, तीन टर्म है तो साथ में माइनस 3 भी है, मतलब हर एक के साथ एक इंडिविजुअल माइनस 1 लग जाएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को रिड्यूस कैसे कर सकता हूं वो समझना, क्या इसी को मैं लिखूं e टू द पावर a रेज टू x माइनस 1 प्लस b रेज टू x माइनस 1 प्लस c रेज टू x माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय x। नाउ अब ये न्यूमरेटर तो बन गए, हमको क्या चाहिए अपॉन में x, कोई बात नहीं, ये रहा 3 और x को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, इट वुड लुक लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस b रेज टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस c रेज टू x माइनस 1 अपॉन x द होल मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3। 2 अपने पास ऑलरेडी था और 3 को मैंने इंटरचेंज कर लिया। नाउ आई कैन से a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x ये अपने पास क्या बन जाएगा सीधे, तो दिस टर्म विल रिड्यूस टू ln a, सो ये बनेगा e टू द पावर ln a प्लस ये बन जाएगा अपने पास लॉन बी, दिस टर्म विल रिड्यूस टू लॉन सी द होल टू द पावर 2 बाय 3। नाउ लॉन ए प्लस लॉन बी प्लस लॉन सी फाइनली क्या होता है, तो जब लॉन में आप एडिशन करते हो तो प्लस हो जाता है, या एडिशन करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली। सो एक ऐसा लिखेगा e टू द पावर लॉन ऑफ a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 2 बाय 3 या फुल मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3। नाउ इसी पार्ट को समझने के लिए आई नो कि 2 बाय 3 को आगे भी लिख सकता हूं, और जब लॉन के आगे कोई नंबर होता है तो वो कहां जाता है, पावर में। सो फाइनली ये कैसा दिखेगा e टू द पावर लॉन ए बी सी टू द पावर 2 बाय 3। नाउ लॉग का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कि अगर आप लॉग एक्स टू द बेस ए और इस पार्ट को सॉल्व करते हो, मतलब ए टू द पावर में लॉग एक्स टू द बेस ए है तो इसका वैल्यू कितना होता है, एक्स ही होता है बस खाली, ये चीज यहां पे लिखी हुई है। लॉन का मतलब क्या होता है, लॉग विद बेस ई, तो
तो यहां भी बेस ई है, लॉग का भी बेस ई है, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, इट शुड बी एबीसी होल टू दी पावर 2/3। सो ये होना चाहिए फाइनली अपना इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन सबसे पहले मैंने फॉर्म का आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन कौन सा था, 1:∞ के फॉर्म का। सेकेंडली जब उसका प्रोसेस अप्लाई किया, उसके स्टेप अप्लाई किए, तो आइडेंटिफाई हुआ कि कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहे थे, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला यूज किया, विच इज a^2x - 1/x। उसको बनाने के लिए इस थ्री को हमने स्प्लिट कर दिया बिग पार्ट में, -1 -1 -1, अपने आप क्वेश्चन ने खुद को अरेंज कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन ओनली, सिर्फ वहां पे तीन टर्म थे, यहाँ पे एन टर्म से, बट थोड़े चेंजेस किए मैंने क्वेश्चन में। लाइक वहां पे जो क्वेश्चन था उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो था, इस क्वेश्चन में लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। सेकेंडली वहां पे पावर्स यहाँ 1x थे, यहाँ पे 1/x हुए, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बट स्टिल ऑब्जर्व करना है कि फॉर्म कौन सा बनेगा। जब x को इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, 2/1/∞ 0, मतलब बेसिकली ये सब क्या बनने वाले, 1:0, 1+1+1 कितने टाइम्स, दैट वुड बी n टाइम्स। जब 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n, n अपॉन n, दैट मेक्स इट 1, तो ये अपना हो गया 1। अबाउट द पावर n into x, x क्या है, इन्फिनिटी, सो अपने पास पावर क्या बन गया, इन्फिनिटी, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म 1:∞। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको दो चीज दिख रहे होंगे, एक तो n है, दूसरा x है। मैंने बताया था कंफ्यूज नहीं होना, बी क्लियर, जिसमें लिमिट लगा हुआ है वो अपना क्या हो गया है, वेरिएबल, तो अपना x वेरिएबल है, मतलब अपना आंसर n के फॉर्म में आ सकता है, आंसर x के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब ऑब्जर्व किया कि ये भी अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1:∞ बना है, तो इसका भी अप्रोच यूज करते हैं सेम। अब इस केस में अपना ये पूरा फंक्शन ये क्या हो गया, दिस बिकम्स f(x) एंड दिस फंक्शन बिकम्स g(x)। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या था अपने पास, लिमिट सेम रखते हुए e^(f(x) - 1 × g(x), तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e^, दिस होल फंक्शन विच इज 1 × 1/x + 2 × 1/x up to n × 1/x d^2 / n -1 d^2 / nx। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट कैसा बन जाएगा, ये दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e^, सब कुछ सेम रहेगा, 1 × 1/x, 2 × 1/x up to n × 1/x, माइनस में क्या आ जाएगा, n, d^2 / nx d^2 / nx, तो सॉरी नॉट, यहां पे x नहीं आ रहा, यहां पे सिर्फ n था, सो ये n से ये n कैंसिल हो गया। नाउ अब अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के साथ सेपरेट करते हैं, यहां पे टोटल 1, 2, 3 n फंक्शन है, और यहां पे माइनस n लिखा है, मतलब इस माइनस n को मैं -1 - 1 लिख सकता हूं n टाइम्स, तो मैं वही को पार्ट में कन्वर्ट करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e^, इस पार्ट को आई कैन राइट 1 × 1/x - 1 + 2 × 1/x - 1 up to n × 1/x - 1। एक स्टेप और भी कर लेते हैं, जो ये मल्टीप्लाई में x लिखा है, क्या इसको डिवाइड में 1/x लिख दूं, बेटर हो जाएगा, द रीजन बीइंग कि अब ये डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली आप बोलोगे सर फॉर्मूले के अंदर लिमिट तो एक्सटेंडिंग टू जीरो था, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी फॉर्मूले में लिमिट को मत देखो, जो कंडीशन दी है उसको समझो, जैसे एक्सटेंडिंग टू जीरो पे a^2x - 1/x 1 होता था, बट जो अपना a की पावर में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1, या वो वैल्यू होनी चाहिए 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट। जब मैं x को इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं तो ये a^2x का फॉर्म बन रहा है, और इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0, अपॉन में भी क्या बन रहा है, 0, तो फॉर्म अपना सेम है, ठीक है। अब इसी चीज को आंसर के फॉर्म में जब लिखना होगा तो मैं कैसा लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e^1 to the power 1 by x minus 1 upon 1 by x plus 2 to the power 1 by x minus 1 upon 1 by x up to n to the power 1 by x minus 1 whole upon 1 by x। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है उससे क्या बनेगा, ln 1 वो तो 0 होता है, सेकेंड पार्ट इज ln 2 फिर ln 3 एंड सो ऑन, सो फाइनली आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, ln 2
प्लस लॉन 3 अप टू लॉन एन. नाउ लॉग के जितने वैल्यू एडिशन में होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इसी को आई कैन राइट ई टू द पावर लॉन ऑफ 2 इंटू 3 अप टू कहां तक, एन तक. अगेन लॉग का सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पावर और बेस दोनों सेम है, नंबर और बेस दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 अप टू कहां तक, एन तक. इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, 1 से फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, बट इस चीज को आप लोग क्या बोलते हो, सो इसको हम बोलते थे एन फैक्टोरियल. सो ये अपना बनेगा फाइनली आंसर, एन फैक्टोरियल करेस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिट. अगेन वही चीज, पहले फॉर्म को आइडेंटिफाई किया 1:∞ एंड देन उस फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म था उसको आइडेंटिफाई किया, करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया, अपने आप आंसर आ गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहां पर अपने को दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x+6/(x+1)^4. नाउ कुछ लोग जबरदस्ती वन बनाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जो एक्चुअली इनकरेक्ट है. एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पार्ट बनेगा इन्फिनिटी, ये पार्ट भी बनेगा इन्फिनिटी. कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों इन्फिनिटी है, दोनों का रेशो वन हो गया, बट ऐसा इनकरेक्ट है. बिकॉज हमने पढ़ा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, बिकॉज आपको नहीं पता कि दोनों इन्फिनिटीज का वैल्यू क्या है, ठीक है. बट स्टिल इसका वैल्यू वन होगा, वो समझना कैसे. हम लोग एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी इन केसेस को सॉल्व कैसे करते थे, इस पावर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो बस पावर तो इन्फिनिटी बनने वाला है, मुझे खाली इस वैल्यू को चेक करना है. सो हम लोग उन केसेस को चेक कैसे करते थे कि जब भी अपने पास दो पॉलीनोमियल फंक्शन का रेशो है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग बोलते थे कि एक्स का हाईएस्ट पावर ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इससे डिवाइड करो और फिर लिमिट को यूज कर लो. मुझे यहां दिख रहा है कि दोनों में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड करता हूं, क्या बनेगा, 1+6/(x), 1+1/(x), 6/(x) हो जाएगा 0, 1/(x) भी हो जाएगा 0, 1/1, उससे इसका वैल्यू 1 बनेगा. दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म बना, 1^(∞). सो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट. सो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 1 कैसे आया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होके नहीं, उस प्रॉपरली फॉर्म को सॉल्व करने के बाद, ठीक है. नाउ अगेन इस फंक्शन के लिए या इस क्वेश्चन के लिए एफ ऑफ एक्स हो गया x+6/(x+1) एंड इसका जी ऑफ एक्स हो गया अपने पास x+4. नाउ इस क्वेश्चन के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे. फॉर्मूला क्या था अपने पास, e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, तो लिमिट तो अपना सेम चल रहा है. e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स मतलब हो गया x+6/(x+1) माइनस 1 दी होल मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स विच इज x+4. ये बनेगा अपना फॉर्म. नाउ इसको रीअरेंज करते हैं. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू दी पावर x+6/(x+1), तो ये फाइनली एलसीएम लेके कैसा हो जाएगा, x+6 - x-1 दी होल डिवाइडेड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+4. सो बेसिकली x से x कैंसिल हो गया. अब फाइनली ये क्या बचा अपने पास, ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू दी पावर 6 - 1, सो दिस बिकम्स 5x+20 होल अपॉन x+1. अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अभी भी क्या चल रहा है, इन्फिनिटी, मतलब ऊपर नीचे दोनों को x से डिवाइड कर देंगे. सो ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, जब इसको x से डिवाइड किया तो ये तो 5 ही रहेगा, प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा 20/x, यहां पे हो जाएगा 1+1/x. नाउ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर 5. सो बेसिकली इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया, दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर 5. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है. सो अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो यहां पे 1/∞ बनेगा, विच मेक्स दिस पार्ट एज 0, तो 1+0 मतलब ये 1 हो गया, और पावर में अगेन क्या चल रहा है, इन्फिनिटी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने पास 1^∞ का. अगेन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अपने पास 1+1/(a+bx) एंड जी ऑफ एक्स विल बिकम c+dx. नाउ डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी
ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, वन अपॉन ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स विच इज सी प्लस डी एक्स. नाउ अगेन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपने पास सेम डिग्री का क्वेश्चन बन रहा है, सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. क्या करते थे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे, सो फाइनली अपने को आंसर कैसा मिलेगा, इन दोनों के अपॉन में x आ जाएगा, और क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो दोनों ही टर्म क्या बन जाएंगे, जीरो, मतलब आंसर दिखेगा e टू दी पावर डी अपॉन बी, e टू दी पावर डी होल अपॉन बी, ये होगा अपना फाइनल आंसर. दोनों ही क्वेश्चन सेम फॉर्म के थे, सिमिलर फॉर्म को हमने यूज किया, और अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था बट स्टिल फॉर्म कौन सा बन रहा था, वन टू दी पावर इन्फिनिटी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहां आपने को बोला था लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, टू माइनस एक्स होल टू द पावर टेन पाई एक्स बाय टू. सबसे पहले लिमिट को पुट करके चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बनेगा, एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा अपने पास, वन टू दी पावर टेन पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू इज इन्फिनिटी, तो अगेन वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया. अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे उन सब में या तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो था या फिर इन्फिनिटी था, जो तकरीबन डायरेक्ट थे. अब मैंने कुछ अलग क्वेश्चन किए जहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन है बट स्टिल द फॉर्म इज कमिंग आउट टू बी वन रेज टू पावर इन्फिनिटी. अगेन अप्रोच में कोई चेंजेस नहीं है. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा अपने पास, टू माइनस एक्स दिस फंक्शन. नेक्स्ट इज जी ऑफ एक्स, ये बनेगा अपने पास टैन ऑफ पाई एक्स बाय टू. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इसी लिमिट को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द फॉर्मूला, तो लिमिट तो अपना सेम रहेगा एक्सटेंडिंग टू वन ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो टू माइनस एक्स माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स बचेगा, दी होल मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स विच इज टैन पाई एक्स बाय टू. नाउ अब इस पार्ट पे आपके कहने के लिए भटक गए कि इसके आगे क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे केस में आपको बताया था, इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी रखा है कि जब मुझे दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर नहीं पा रहा हूँ, द रीजन बीइंग कि ये जीरो नहीं बन रहा है, मेरे लिमिट पे तो ये पाई बाय टू बन रहा है बेसिकली, जो जिसको फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. बट अगर टैन है तो अगर अंदर जीरो बनेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे केस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी वाइल स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कि जब भी ऐसे अजीब से लिमिट या अजीब से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक स्टेप और करो जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप लिमिट को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो कि वो लिमिट टेंडिंग टू जीरो हो जाए. अभी एक्स किसको टेंड कर रहा है, वन को, तो हम लोग क्या करते थे, इस वन को यहां शिफ्ट करते थे, क्या बनेगा एक्स माइनस वन. अब मैं इस एक्स माइनस वन को टी ले लूंगा, अगर एक्स माइनस वन टी है इसका मतलब एक्स हो गया वन प्लस टी. इसका बेनिफिट क्या होता है समझना, अगर एक्स वन को टेंड कर रहा था तो वन माइनस वन टी किसको टेंड करेगा, जीरो को. अब देखो क्वेश्चन में चेंजेस क्या हुए, लिमिट टी टेंडिंग टू हो जाएगा जीरो ई टू दी पावर, अगर एक्स माइनस वन टी है तो वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस टी. नेक्स्ट इज टैन पाई बाय टू टाइम्स एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना बोला है हम लोगों ने, वन प्लस टी. तो ये कुछ ऐसा टर्म बनेगा अपने पास. नाउ इसी पार्ट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, सो इसको आई वुड राइट लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर माइनस टी इंटू टैन. अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा दिखेगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू टी, सो दिस शुड बी पाई बाय टू प्लस पाई टी बाय टू. नाउ व्हाट इज टैन 90 प्लस थीटा, 90 है मतलब फंक्शन चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मींस नेगेटिव, सो यहां पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर माइनस टी इंटू, ये बन जाएगा माइनस कॉट पाई टी बाय टू, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई टी बाई टू. नाउ कॉट में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है बट टैन में है, सो उसी चीज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा टैन में, सो ये कैसा दिखेगा, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर टी अपॉन टैन पाई टी बाई टू. अब देखो रिड्यूस हो गया, जब मैं टी को जीरो पुट करूंगा तो टैन के अंदर क्या बन रहा है, जीरो, मतलब अगर यही एंगल ऊपर क्रिएट कर दूं तो अपना वैल्यू वन हो जाएगा. पाई टी बाई टू चाहिए मतलब पाई बाई टू मिसिंग है, सो पाई बाई टू से मल्टीप्लाई किया एंड पाई बाई टू से डिवाइड. नाउ दिस होल पार्ट विल रिड्यूस टू वन, सो फाइनली आंसर क्या दिखेगा, दैट शुड बी ई टू दी पावर वन अपॉन पाई बाई टू, और आई कैन से ई टू दी पावर टू बाई फाइव.
ये होगा अपना इस लिमिट का फाइनल आंसर। अगेन मैंने 1:∞ फॉर्म को एम्प्लीफाई करने के बाद भी देखा कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक था और थोड़े से लिमिट सिंपल फॉर्म में नहीं थे, तो क्या किया, जैसे हम क्वेश्चन पे अटके तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, लिमिट को 0-10 कराया, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया।